दिल में कोई सितमगर अरमां जगा गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ए दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। वाह वाह वाह, अच्छा गाती हैं आप, कहां से सीखा आपने? ध्यान कर, ओदे कोलो नंबर मंगण लगाई। मैं मानी, ये आपको मानी कहती हैं? जी मुझे मानी कहती हैं। ते महीने दे रखी है या नगद पैसे देना गाने दे गाने? ये मेहरुल निसा की सहेली हैं। पैसे पूसे नहीं उनको देंदे, नाम का नाम दो उनको, एडा वधिया गाया ने। इन बेचारों के पास दरबान को देने के लिए पैसे नहीं है। ओ हाय, मांगे तांगे का ये पिज्जा खाते हैं बेचारे। जनाब एक साल तो मेरी तनख्वाह नहीं है। हमारे हालात बेहतर होते तो तनख्वाह मिल जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि आपके हालात नियर फ्यूचर में अच्छे हो रहे हैं। जलसों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क बिल्कुल पड़ेगा। जिस तरह खान साहब ने 2014 में धरने शरने देकर आपको अलर्ट कर दिया था, धड़ाधड़ काम शुरू, वरना उससे पहले ये सोए हुए थे खाबे खरगोश में, ऐसे महव थे। उसने इन्हें वेकअप कॉल दी झंझोड़ के। बिल्कुल। अब ये उसे वेकअप कॉल देने जा रहे हैं कि कुछ करो, ढाई साल हो गए तुमने कुछ डिलीवर नहीं किया। सर ये सारी पार्टीज एक पेज पे आ जाएंगी। मौलाना के अलावा कोई और पार्टी मैटर ही नहीं करती। स्ट्रीट पावर मौलाना के पास है और मौलाना फिलहाल तो कह रहे हैं कि जनाब मैं आऊँगा, सड़कों पे निकलूँगा। तो हो सकता है मौलाना का हवा दिखाकर किसी को कुछ और करना मकसूद हो। और सर ये भी कहते हैं कि जलसों से पहले कोई बड़ी गिरफ्तारी भी हो सकती है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। देखें बड़े बड़े स्टालवर्ट्स जो हैं पार्टी के वो अंदर हैं ऑलरेडी, तो एक आध और हो जाएगा या हो जाएगी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। बल्कि उनकी ख्वाहिश होगी कि हमें भी आप पाबंदे सलासल करें ताकि हम कह सकें कि हम किसी हद तक नेल्सन मंडेला नहीं तो नेल्सन मंडेली जरूर हैं। लीडर जब तक जेल नहीं जाता वो लीडर नहीं बनता। आपका मुल्क जिसने बनाया था ना वो एक घंटे के लिए कभी जेल नहीं गया। उसने बनाया था, उसके बाद हम लोगों ने चलाया है। आपने जलाया है। बिल्कुल जलाया नहीं है, तबाह किया है। नानो सताओ ने सब पानिया किस्मा गड़ाउन लग पड़ा ही। बहरहाल शहनशाह मौसम आपके लिए खाना आ चुका है। एक मैं तुहाड़े लई बना के लियाई आलू ए लाजवाब। 150 रुपए की सब्जी हैगी लाजवाब है मुझे छुपाया। ते नाल पतली दाल और बगैर तड़के तो साग। मीठे में आपके लिए खीर है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तो है। सागुदाने की। और कोई मेहमान है बाहर? एक बंदा बाहर बैठा है बहुत सतया। उन मैं जिम्मे पूछा ना कि मैं अगों ने यही किया। बंदा कि बिल्ला अन्नी दिया। ये जो बाहर बैठा उसकी बात हो रही है? हाँ जी हाँ जी। वो तो नजूमी है आपका। शाही नजूमी को बुलाया जाए। शाही नजूमी हाजिर हो। सलाम अलैकुम। की हाल बाल नो? ये शाही नजूमी है कि शाही नशाई है? की हाल है वाल है? किवें सद्या आई मैनू? ओ बा शाही नजूमी। ओ यार ये केड़ी गल लगे मेरा शाही नजूमी कह रहा है। हां नहीं हो का मतलब है जी हुकम तो जी कवे ना। उसका अपना स्टाइल है वो नहीं कहेगा। नवी खबर खबर है तेरे को? है तो सही। बात हमारे हक में है या हमारे खिलाफ? ए मैनू पता नहीं। और हमारे यहाँ एक अजीब कॉन्सेप्ट है कि समझते हैं कि हर साफी रिपोर्टर होता है और वो जो बात करेगा बेलाग करेगा। भाई ये रिपोर्टर का काम है कि जो देखा वो पेश कर दो, इसको न्यूज कहते हैं। और जो एनालिसिस होता है उसको व्यूज कहते हैं, उसमें वो अपनी ओपिनियन देता है, इसी की उसको सैलरी मिलती है। मतलब एक आम रिपोर्टर में और एनालिस्ट में फर्क है। जरूरी नहीं कि एनालिस्ट रिपोर्टर नहीं हो सकता। किसी भी वक्त एक एनालिस्ट रिपोर्टिंग कर सकता है। वो मौके का गवाह कहे जी मैं मौजूद था, ये मेरे सामने वाक्य हुआ है। हेयर ही इज अ रिपोर्टर, उसने जो देखा मिन्नोन वही बयान कर दिया। ये है कैनन्स ऑफ जर्नलिज्म। लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि ये क्यों हुआ है, इसकी रेपरकशंस क्या होंगे, मुजमरात क्या है, वो उसका एनालिसिस है। तो खुदारा ये जो यंगस्टर्स हैं जिन्होंने सुन रखा है कि सहाफ़ी बेलाग बात करता है, वो सहाफ़ी गए वक्तों का रिपोर्टर होता था। अब तो रिपोर्टर बेलाग बात नहीं करता और गलत करता है वैसे, इसलिए कि ये अमानत है। सच और झूठ का फ़र्क ये कि आपने जो देखा वो बयान कर दें, वरना मुनाफ़िकत है। चलो ये बताओ
हाजी खान की हुकूमत कैसी चल रही है? ओ, मैंने लगता है जी नेशनल गवर्नमेंट आ हुआ है। क्या मतलब है इसका नेशनल गवर्नमेंट? नेशनल गवर्नमेंट का मतलब नेशनल गवर्नमेंट है जिसमें सारे शामिल होते हैं। यानी साड़ी पार्टी भी विच? यू विच। थैंक यू। अब्बा हजूर, आपको हमेशा बात की देर से समझ आती है। आप लोग शामिल नहीं होंगे। अगर ये सेटअप आया तो बिल्कुल डिफरेंट लोग होंगे, बिल्कुल ऑल टुगेदर। अच्छा बताइए कि आप शेरो शायरी भी करती हैं? शेरो शायरी एक तो दो अदा। अच्छा मेरू ना सारे सिर च को सट लग गई है कि ये बेबे और ना एवी फ्रैंक हो जा रही। इतना अरसा हो गया आपकी शादी को, सुंदा हो जाए मेरा मां का पता खेलना ही होगा। देखा ना कोई है बादशाहों वाली बात? दादी कसम लगता ही नहीं बात है, जेज दा बिस्तरा बनया हो। मैंने पूछा कितना अरसा हुआ आपकी शादी को? 25 साल हो गया। 25 साल और बच्चे दो। बीवियां वेखना किनियां, एवरेज साडी ठीक जान रही है। देखो कुदरत दा की काम आ, हजारां हाथी हुंदे सी तुहाडे को, हुण तूं कल्ला ही रह गया। इसका इवन एक फेवरेट हाथी था, वो भी नहीं रहा इसके पास। सर वो भी छीना हुआ था जी, हेमू बकाल। हेमू बकाल का हाथी काबू कर लिया। सर उसमें ऐसी क्या स्पेशलिटी? बस वो बड़ा शानदार हाथी था, उसका नाम था हवाई, बहुत तेज। भट्टाचार्य जी, जी आप शौक से क्या खाती हैं? तोरियां मैंनू बहुत पसंद है, टींडे भर के मैं पकाउनी हां। कभी खादे जी टींडे भरे? ओ अजकल तो लभ ही रहे हैं टींडे, पतली जी दाल। इसे चांदी के वर्क बाकायदगी से खिलाए जाते थे और चांदी के अंदर से एक ऑयल प्रोसेस करके निकाला जाता था। ओए, ओए। उसमें गोश्त बनता था, खिचड़ी बनती थी, कि ये स्टमक के लिए, पेप्सिन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मरा बेचारा डायसेंट्री से। ये डायसेंट्री का है? हाँ जी। तेरा दौर फिड़े वो। बादशाह मार देने तलवारा ना, तीरा ना, हाथियां ना, ये पेचस ना मर गए। असल च 50 साल बैठा रहा ना तख्त ते, टुरिया फेरा नहीं, गेंद जी बन गया सी। एक बात तो सुनिए जी। आए जी यार, तुसी इत्थे की लाण बैठे हो? यार बात कर लेने दिया करो, कुछ पूछना चाह रही हैं वो। मुझसे पूछ ले। चले इनसे पूछिए। पूछ ले आप। शहंशाह मौजम ने गुजरात का सफर क्यों किया? दस प्यो दा पोता ते दस हुण बताइए। गुजरात का सफर किसे मकसद नु कीता होगा? बादशाह जिथे मर्जी जा। बताओ ना, तुम्हें बड़ा शौक था। किसे नु नहीं भी पता होंदा हुण की? ये तो बादशाह को भी नहीं पता होगा। मतलब शहंशाह सारे कस्बा गुजरात ही गए? ये गुजरात काठियावाड़ गया था। क्यों? सूरत बंदरगाह। हाँ जी। ये बहरी बेड़ा बनाना चाहता था। अगर उस वक्त बेड़ा बना लेते ना, मेरा ख्याल है इंडियन ओशन पर कब्जा इनका होता, तुर्कों का ना होता। बिल्कुल सही। तो मेरा निशाजी तो हटा है ना, कमाना की रौला है। वो ईरानियन नस्ल है। अच्छा जी। उसका ये काम था। आप ना हुरमुज किधर है? दसो जी। और असी रहे ना इलाके जी, सानू नहीं पता यार ब्रो। हुजुर हुजुर मेहरू इस दरबार का माकूल तरीन कैरेक्टर था। और उसने सिंगल हैंडेडली हिंदुस्तान पर राज किया। ये जो इसका थोड़ा बहुत भरम रह गया ना, इस नशेई बादशाह का, वो इन्हीं के मरहूने मिन्नत है। नवाजिश है आपकी, नवाजिश। बस दो चार लफ्ज याद की तेरे, मरहूने मिन्नत, मरहूने मिन्नत, कवाए फलाने। अगला बेवकूफ है, अभी नवाजिश है, नवाजिश है। मन गया मैं यार, तेनू कोई औखा लफ्ज नहीं याद। भट्टाचार्य कौन है? थोड़ी देर ली मैं लता सिद्धियां कर लूंगा। किनिया सिद्धियां होनी एडी एडी ते लाते। अरे बहुत कूड़ आदमी, खुदा पाक दी कसम, ऐसा कूड़ एंकर कायनात ते पैदा नहीं होना। इसमें मेरा क्या कसूर है? नहीं कहता सच, 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 सच। वो देखो तुम्हारे तख्त पे कब्जा हो गया यार, देखो तो सही। आप सब अपने मान ना दस, एड्डा का बादशाह देखा तू? और जी बता जा रही है जी। तू सड़ा किदा साला है तू भला? बहरम खान के साले हैं। अगर तुसी कुड़ी वेख के ब्याही हुंदी, आज तू मान सिंह दा साला हुंदा। आलम पर बैठो बैठो। मैं बैठने वास्ते नहीं कह रहा, मैं कह रहा जाओ कोई शर्मा शुरू ले आओ। अच्छा ये जो अच्छे वाले शादी हॉल्स है ना जी, जी वहां पर थोड़ी देर बाद एक पुरस्रार सा कैरेक्टरिस्ट जैसा नमूदार होता है, ऐसी ही एक पोशाक में। अजी कुछ खाएंगे आप? हैरान रह जाता है। खान का बहाना होता, असल च मांग रहा होता, कुछ खाएंगे आप? आलमपना बह जाओ। आफताब साहब। हाँ जी। मैं जावा, मैं इजाजत। जी आपको इजाजत। ओ तू मेरे को पूछे चल। ओ बादशाह और ले ला।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਉਹ ਮੁਗਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਓਏ ਆ ਜਾ ਸਾਲਿਆ ਕੁਲਫੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆਉਣੀਆਂ ਇੰਜੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਔਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਪਿੰਡਾ ਕਿ ਇਸ ਦਫ਼ਾ ਫਿਰ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਾਈ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ हम दे देंगे पैसे अभी हालात हमारे बेहतर नहीं है मैनू उर्दू बोल के मुतासर न कर मेरे पैसे दे दो चार दिन की मोहलत चाहिए नहीं दे सकता मैं मोहलत बादशाह तक है कोई नहीं ठहर जाते ठुड्डे पैने जाओ हम दे देंगे पैसे चलो जाओ मैं लेने आया हूँ मैं तुम्हें कह रहा हूँ जाओ चले जाओ मैं कहना मैं पैसे तेरे को कहना भी जा चला जा हाय 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 ह